करिए जी फिर शुरू। सारे मीडिया के साथियों का स्वागत है। अज मैं एक गल कहन लई तुहानू कष्ट दिता है, हुण तक असी लगे रहे टिकटां दी वंड लई ते होर बाकी तैयारियां लई, किधरे पार्टी दी रजिस्ट्रेशन दे झमेले, किधरे सिंबल दा हाले हल नहीं होया, पर मीडिया च प्रॉपरली असी आ नहीं सके। इसलिए असी क्यों ये चोणां दे विच चोण मैदान च आए हैं, इहदे लई मैं तुहानू दो गल्लां करन लई सद्या है, सदा दिता है। वह यह है भी पंजाब विच जिस तरह हुण तक पिछलियां सरकारां ने कीता है और जिस तरह का ट्रेडिशनल पोलीटिकल पार्टियां का सिस्टम बन गया, उहदे नाल पंजाब का बहुत बुरा हाल हो गया, पट्ठा बैठा है। पंजाब कर्जे च है 3.5 लाख करोड़ दे, पंजाब विच हर पासे करप्शन का बोलबाला है, तरह तरह के माफिए पैदा हो गए, साडी नवीं जनरेशन विच बेविश्वासी का माहौल है। सारे जिहड़े बच्चे जिन्होंने कंपीटीशन लड़ने होंदे है वो सारे इतों आईलैट्स करके विदेशों भजे जा रहे हैं, नाल 50-50 लाख रुपया फीसा दे लई जा रहे हैं। जिते ब्रेन ड्रेन हो रही है उत्थे इकनोमिक ड्रेन भी हो रही है। और हालत यह है भाई साढ़े पंजाब दे विच कुल 60,000 करोड़ रुपये की तो इनकम है, 50,000 करोड़ तनखाह च निकल गया, 10,000 करोड़ रह जाता है, वह करजे मोड़ भी नहीं पूरे मुड़ते। तो इन्हों पोलीटिकल पार्टियां अज भी यही फिक्र पिया होया भी असी वोटा किमें लैनी है। वो तरह तरह के फिर उ वादे जिस तरह परे कर पहला करया करते, जिमें पिछली बारी कहा जी सारे कर्जा माफ कर देंगे, जी असी घर घर नौकरी देंगे, दिता लिया कख नहीं, इस तरह हुण कर रहे ने। हालत ऐसी है भी जिहड़ा साडे रेते बजरी का बिजनेस है जिहदे ते कुछ भी नहीं लगता, कुदरत दी देण है, वह 25,000 करोड़ रुपये का बिजनेस है। साडे कोल सारा 400 करोड़ आउंदा, सारा इन्हां लोकां दे घरां चला जांदा, इन्हां दे चहेतियां दे घरां चला जांदा। इस तरह शराब का बिजनेस साढ़े 55 तो 60 हज़ार करोड़ का है, साढ़े कोल सिर्फ 1,700 करोड़ आउंदा, बाकी सारा इन्हां दे और इन्हां दे चहेतियां दे घरां जांदा है। ट्रांसपोर्ट दे विच इस तरह 17,000 करोड़ चला जांदा है। करप्शन इन्नी ज़्यादा है भाई, थाने बकाऊ ने, तहसीलां बकाऊ ने, हर दफ्तर जिथों कुछ लोगों नूं राहत मिलनी चाहिए है वह बकाऊ है, और धुर उपर तक पैसे जाते हैं। एक इस तरह बन गया जिवें एक खास सैट पैटर्न है जिन्हों फॉलो हरेक ने करने, जिंदी मर्जी सरकार आ जाए। और यही वजह है भी अज पॉलिटिक्स में वो लोग आ रहे हैं जिन्हों की लोगों के मुद्दों के उत्ते कोई पकड़ नहीं, उन्होंने उन्होंने कोई सरोकार नहीं। हुण अन्ना पैसा खर्च के, शराबां बरता के, नशे बंड के, पैसे बंड के, किसी भी तरीके ना वह वोटां लैण वास्ते तहू होए फिरदे ने। पर लोगों नूं गल समझ पई है, असी हुण जदों पिंडां विच गए हां तां लोकी इत्थे बदलाव चाहुंदे ने। मैं पंजाब दे लोकां नूं अपील करांगा भी जे हुण बदलाव ना आया तां पंजाब दी जिहड़ी आर्थिक ते समाजिक उम्र है 2 साल तों वध नहीं, साढ़े बच्चों का एक हिस्सा जिहड़ा आईलैट्स करके जांदा इत्थों वह जाके विदेशों में सैटल हो जाता, उन्होंने अगली जनरेशन जी अंग्रेज होएगी, तो तीसरी पीढ़ी तो भुल भी जाएगी भी पंजाब भी कोई चीज़ है, ये नसल कुशी है। एक हिस्सा ऐसा है जिहड़ा आईलैट्स नहीं कर सकिया, वो नौकरियां पालदा है, रोज़ उन्होंने लाठीचार्ज होंदे ने, तो मैनू लगता भी एक हद हुंदी है उदों तक वो बर्दाश्त करनगे, कितें ये ना होए भी वो ड्रग एडिक्ट होकर मर जाण, कितें ये ना होए कुछ लोग गुस्से च फिर हथियार चक लैन। पंजाब की त्रासदी है ये, मैनू लगता 2 साल तो बाद समा नहीं निकलना, जे लोगों ने फिर कित किसी ट्रेडिशनल पार्टी को जिता के भेजता तो पंजाब का पट्ठा बह जाएगा। इसलिए मेरी अपील है कि तो पंजाब वासियों भी इन्हां चोणां दे विच बहुत सोच समझ के अपनी वोट का इस्तेमाल करो, और असी तुहाडे इस जिहड़े कंसर्न ने इन्हां लई उह चोण मैदान च आए हैं। अदरवाइज मेरे वर्गे बंदिआं नूं सारी उम्र जी ने किसानां दी सेवा कीती, कदे पॉलिटिक्स वाले झाकिया भी नहीं, तो मजबूरी बस साढ़े साथियों के मजबूर करन ते इधर आना पिया। असी ये सारिया बुराइयां दूर करन वास्ते चोण मैदान च हां, एक गल। दूसरा सारिया पार्टियां हुण चोण मैनीफेस्टो जारी करनगियां, उही
पुराना ही कसिया पिटिया तरीका, असी 1000 रुपया महीना देवे, कोई कहता 2000 रुपया महीना देवे, कोई कहता असी बाहर भेजने वास्ते पैसे देवे, असी गरंटी देवे, कोई ये नहीं कहता भी असी इत्थे रुजगार के मौके पैदा करांगे, कोई ये नहीं कहता भाई असी लोगों नू इन्ना एहो जिहा माहौल बनावांगे वो अपनी कमाई दे नाल अपने पैरां ते खड़े होकर अपने घर चलाउण। इस तरह की कोई गल नहीं करते, सारे उही पुराना तरीका, लोगों नू मूर्ख बनाओ, उन्होंने झूठे वादे करो, हुण उहदे वास्ते पैसा कित्थों आएगा, ये समझ तो बाहर है। जिहड़ा पहला ही कर्जे विच दबिया सूबा, उहदे तुहाडे पल्ले कुछ है नहीं, तुसीं कित्थों ये सारियां पूरियां करोगे, एक तो दूजा वध के इस तरह दीआं गल्लां कर रहा है। तो असी 2-3 दिन के अंदर अंदर अपना मैनीफेस्टो जारी करांगे, जिहदे विच असी कोशिश करांगे भी हर वर्ग नू जो असी कर सकते हैं प्रैक्टिकली इन रियल सेंस कुछ करिए, उन्ना के वादा करांगे। असी सोचे है भी जिहड़े पिंडां च कोऑपरेटिव सोसाइटियां ने उन्हां च किसान ते खेत मजदूर कर्जा लैंदे ने, जिहड़े वेले सिर वापस करिया करनगे कर्जा, ये नहीं उन्होंने माफ़ करने वास्ते नहीं मैं कहता, जिहड़े कर्जा वेले सिर वापस करिया करनगे उन्होंने फ्री ऑफ इंट्रस्ट असी कर्जा देंगे, उन्होंने ब्याज सरकार बेयर करूगी। इस तरह छोटे छोटे कारोबारी ने, छोटी जी दुकान होंदी है, उन्हें कनैक्शन लिया, उन्होंने कमर्शियल कनैक्शन मिलता है, तो वो अपनी कमाई, वो बिजली का बिल भी नहीं तार सकता, असी उन्होंने डोमैसटिक कनैक्शन देंगे और डोमैसटिक दे रेट चार्जिज चार्ज करांगे। जिनी लुट पिछले सालों में हुई है 20-25 साल तो उदे लई असी एक कमीशन बनावांगे और सारी जांच करके जिहड़े लोकपाल नूं इन्ना मजबूत बनावांगे ताकि सारे दे खिलाफ कार्रवाई हो सके। ईएसआई दे 12 लाख वर्कर ने, उन्हां दीआं तनखाहां चों पैसे कट्टे जांदे ने, पर इन्ना बुरा हाल है, उन्होंने सहूलत कोई नहीं दित्ती जा रही। असी उन्हां दे नाल खड़ांगे, इहदी जांच करावांगे, जिहड़ा ये फ्रॉड है ये नंगा करके लोगों के सामने लियावांगे। एक 31 जनवरी नूं सारियां जथेबंदियां दा जिहड़ा प्रोग्राम है विश्वासघात दिवस मनाउण दा, उहदे च सारे साढ़े कैंडीडेट भी ते साढ़े वर्कर भी उहदे विच शामिल होणगे। इहदे लई मैं तुहाडे सामने आया, हुण कोई सवाल करना पुछ लो। मैनू एक दस्यो, मैं उन्हां भरावां नूं कुछ नहीं कहना चाहुंदा, साडे ही ने एक दे बाद दूजी जो मूंह आउंदा बोल दिंदे ने। 32 चों 22 जथेबंदियां नूं 10 बंदियां जथेबंदियां कढ सकदियां, कोई मेजोरिटी अज तक साडे मेजोरिटी डिसीजन हुंदे रहे आ, मेजोरिटी किहदे कोल आ? साढ़े 400 जथेबंदी का मामला नहीं, ये पंजाब दी 32 जथेबंदी का मामला। नहीं ऐसी कोई गल नहीं, उसके बाद पहला प्रोग्राम है, तुम देख लो 31 तारीख को सारे इकट्ठे हो। नहीं वो मैं कुछ नहीं कहना उसके बारे, वो उन्हां दी इच्छा जो करते ने, ते असी उस तरह जिदा पहला साथ देंदे सी उस तरह साथ देवांगे। असीं जदों आवांगे उदों पूरा करके दिखावांगे, उदों ही पता लगूगा। गरंटी तो उदों हाले तो बेविश्वासी, जिहड़ी तुसीं सवाल कीता है लोकां विच बेविश्वासी है ना, पहलां विश्वास पैदा करना पएगा। नहीं ना, सारे नूं पता है, कोई कोई कट नहीं कर रहा, नहीं कोई कट नहीं कर रहा। नरेगा वाले नूं भी दित्तियां सीटां, पर जिहनूं सीट मिल जांदी है
ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਆਪ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਪਏ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ 60 ਔਰ 20 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਐਡਮਿਟ ਥੋੜੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਡੀਓ ਕਲਿਪਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਸਮਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਜੋ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਂਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਜੋ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਆ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਔਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ
साढ़े कोल जिन्ने नौजवान जिन्ने प्रोफेशनल 27-27 साल के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर सारे असी उन्होंने एनालिसिस करके तुहानू नहीं अजे पा सके। जिस दिन असी लिस्ट जारी करांगे कि कौन कौन दी की क्वालिफिकेशन तुहानू पता लगेगा कि साढ़े असी किवें दूजियां नालों फर्क हैगे आ। रही गल केजरीवाल की, केजरीवाल इत्थे राज करन लई आ रहा, राज करन लई नहीं सिर्फ अपने आप नूं प्रधानमंत्री का चेहरा दूजी जगह दिखालन लई आ रहा और कोई उहदा कोई पंजाब दे नाल सरोकार नहीं हैगा। जे सरोकार हुंदा तां फिर अज तक इस तरीके नाल बाकी सूबियां च क्यों नहीं जांदे जिथे जिन्ना इहदी स्टेक इत्थे लाउंदे हैगे आ, उह नहीं हैगा। सिर्फ ते सिर्फ इत्थे क्योंकि साढ़े लोग थोड़े जे उस किस्म के एनलाइटन लोग हैगे, पोलीटिकली एक्टिव लोग हैगे, कोई तब्दीली चाहुंदे आ, तब्दीली हमेशा उहदे विच विश्वास रखदे आ, उस गल दा नजायज़ फायदा उठा के वह अपने आप नूं अगे लिआउणा चाहुंदे। दो वारी चुणिया हद हो गई, चार एम पी असी मैं उहदे विच सीगा 2014 दे विच, इसे तरीके नाल जोण जिवें हुण असी राजेवाल साहब नाल लगे इस तरह उदों केजरीवाल दे नाल सी, चार एम पी दिते आ, एक भी पैसे की कभी चूं करके दसे भी कोई गल कितें भी होई है, और उन्होंने दो तुहानू तुसीं पंजे साल जिहड़े सस्पेंड करके रखे, साढ़े चार साल ना उन्होंने अंदर ना बाहर, भी फिर पंजाब के लोगों ने दिते, दस तुसीं उन्होंने चो 11 बाहर कर दिते, फिर वो रह गए। असी बार बार पंजाब के लोग ये नहीं काम कर सकते है कि असी इन्हों चुन के दईए और ये फिर अपना जिधर जिधर दी कर। अज भी मेरे को हुणे मेरे फोन दे विच एक आदमी का अस्तीफा आया सुजानपुर तो, बिशन दास, मैं तुहाडे नाल शेयर करदा, उन्हें 10-11 बंदियां दे साइन करके कहा कि मेरे वाली सीट मैं काम करता रहा तो उन्होंने इन्होंने वेची है, फलाने बंदे नू वेची है, वो साडा कैंडीडेट है इस वेले, असीं उन्हूं डिकलेयर कीता है। मैं क्या वो खुद बंदा, वो खुद बंदे ने चिट्ठी सुनो, उन्होंने अपने अपने सुनते लो रेजिग्नेशन लैटर च लिख के भेजी है सानू, और बंदियां ने दसां दे दस्तखत है थले, ये नहीं कि मैं अपनी वालों कह रहा, मेरे को लैटर है, मैं सारे मीडिया नु हुणे फारवर्ड कर दूं। एक 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 गल एक 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 गल और एक गल, चलो ओ ना ओ ओ ओ किसी नु सीट ना मिले फिर इदां करदा ही हुंदा, ओ कोई दिक्कत नहीं। मैं एक होर तुहाडे राहे गल साफ करनी चाहुंदा, साडे लोकां नु पता लगना चाहीदा, असीं नवीं पार्टी ए बनाई संयुक्त समाज मोर्चा, इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा ने सरकार से इल्जाम लाए, रियलिटी ये है भी साड़ी उन्होंने आम आदमी पार्टी ने रोड़े अटका अटका बस कराती, एक भी वो कोई फाइल च नुक्स नहीं सी जदों असी देखे, जदों एन लास्ट स्टेज पर चली गई रजिस्ट्रेशन होने, फिर वो इन्ने ऑब्जैक्शन लवाते फिर वापस भेजती, असी 3 दिन बाद फिर सारे ऑब्जैक्शन रिमूव करके फिर उत्थे देती, हाले भी उत्थे बैठे वो किसी कंडे नहीं लगन देंदे। एक गल असी हुण तक यह प्रैक्टिस रही है, जे कितें 20-50 कट्ठे एक ग्रुप कट्ठा चाहुंदा होवे सिंबल उन्होंने मिल जाता रहा, साढ़े 100 ते वध जदों हो गए असीं उदों जाके उत्थे अपलाई कीता, जाके बैठे रहे कमीशन दे विच जिहड़े लोकां ने इहनू डील करना सी, सानू किसी ने राह नहीं दिता, हुण तई असीं अज शाम तीं 5 बजे तक वेट करांगे, जे तो सिंबल कॉमन देंदे ने तां ठीक है, नहीं कल नूं असीं इहदे ते अपने जिहड़े कैंडीडेट ने उहनूं कोई स्पष्ट पोजीशन दस्सांगे। सारा कुछ उदों ही पॉसिबल होगा जदों लोकपाल कोल ताकत होणगी और स्ट्रांग लोकपाल जाके चाहे ह्यूमन राइट वायलेशन हुई होवे, चाहे करप्शन हुई होवे, चाहे रिसोर्सिस लुट, मैं खुद एक वकील है, लीगल प्रोसेस की है, मैं चंगी तरह जानता है। लोकपाल मैं उही कह रहा लोकपाल जिहड़ा है, तुसीं लोकपाल दी डेफिनेशन पढ़ो, संविधान च लोकपाल दी डेफिनेशन की है, लोकपाल जुडिशियल सिस्टम सरकार दे अंडर नहीं हुंदा, लोकपाल कहते हैं मजबूत लोकपाल देवांगे। पंजाब च जो राजनीति च गंद आया, मजबूत जो राजनीति च गंद पै गया उहनू दूर करन वास्ते असीं इहदे च आए हां, अदरवाइज़ इह तों बिना साडा कोई मोटिव नहीं, पंजाब बचाउणा है इन्हां तों, बहुत मेहनत करनी पएगी पंजाब नूं, आ सारे जिन्ने माफिया ने सारे नूं काबू करना पएगा,
पंजाब नूं बचाउण वास्ते बहुत मेहनत करनी पएगी। इस लई सारयां दा सहयोग लवांगे तां पंजाब बचेगा, अदरवाइज जिहड़ा पुराना सिस्टम है जो ही चलेगा पंजाब नहीं बचना। हां जी बिल्कुल बिल्कुल, हां 170 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।